हे गाइस, गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह अब हम लोग निकल रहे हैं अपने गांव की तरफ। बाहर बारिश लग रखी है और हमारा एक वाइपर खराब है। मैं बाहर देख पा रहा हूँ और यहाँ पे कुछ फ्रूट्स और स्वीट्स की दुकानें खुल चुकी हैं। ज़्यादा दुकानें नहीं खुली, वैसे मार्केट बंद है इस टाइम पे। अभी हमने यहाँ से अभी आम और केले लिए और निकल रहे हैं अब यहाँ से। चलिए आपको अब पहाड़ी रास्ता दिखाते हैं। सारा टोटली पहाड़ी रास्ता शुरू होने वाला है। गाइज, ये है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। आप देख सकते हो मेरे आसपास जंगल। यहाँ कहीं से भी हाथी आ सकता है या फिर बाघ, शेर, ऐसी चीजें आ सकती हैं। लोग देख सकते हो मेरे आगे बहुत ही तेज बहाव है पानी का। तो अभी हम लोग सोच रहे हैं यहाँ पे आगे ना जाएं, वेट करते हैं अभी। अब वहाँ पे अभी बहुत ज़्यादा पानी बह रहा था और रास्ते में बहुत ज़्यादा बाढ़ सी आ रखी है, तो हमने सोचा उसको वहीं पार करते हैं। यहाँ बैठ के पराठे खा लेते हैं भाई, तब तक वेट करते हैं हमने क्या। अमेजिंग जगह है यहाँ पे, और यहाँ बैठ के अब हम लोग अपना ब्रेकफास्ट करेंगे पराठे वगैरह। गले पीछे मेरे क्या कहते हैं, बाघ और हाथी वगैरह भी आ जाते हैं। आ जा भाई रोक। गाइस, ये वो जगह है जिसको क्रॉस करना बहुत मुश्किल है। यहाँ पे पानी बहुत तेज बहाव से निकल रहा है। चिढ़ जा रहा है। कहाँ से जा रहा हूँ? निकल गया भी घर को, इतना बहाव है। आप देख सकते हैं हम लोगों ने क्रॉस किया धनगढ़ी गदर। बहुत ही खतरनाक था वो गदर, और मतलब गदर का मतलब हो गया एक ऐसा पार्ट जहाँ पे पानी बहुत तेज बहता है उस जगह का। और मम्मी को तो बहुत ज्यादा डर लग रहा था। मुझे भी बहुत ज्यादा डर लग रहा था। मुझे भी बहुत डर लगा। डर तो मुझे भी लग रहा था बहुत ज्यादा, सबको डर लग रहा था बेसिकली। और बस वो दो गाड़ियाँ मेरे आगे से निकली, उसके बाद मैंने भी हिम्मत दिखाई कि निकल ही जाता हूँ। गाइस, अभी मरते मरते बचे हम लोग। जस्ट जहाँ से निकले हम लोग वहाँ पे लैंडस्लाइड हो गया, भूस्खलन, और इतना बड़ा पत्थर, इस गाड़ी से ज़्यादा बड़ा पत्थर रोड पे आके। अगर हम वहाँ पे अगर 2-3 सेकेंड अगर और रुकते तो बिल्कुल हमारी गाड़ी के ऊपर आके गिरता वो। 3 सेकेंड से बचे हम लोग, 3 सेकेंड शायद, 3 या 4 सेकेंड बस। छोटी मार्केट से वैसे यहाँ पे अगर आप आलू खाओगे तो रायता और पकोड़ा, मतलब हमारा एक वो होता है कुमाऊनी रायता होता, वो ज़रूर खाइए, बहुत स्वाद मिलता है। तो पहुँच चुके हैं अपने गांव और रास्ता देखिए पैदल चलने के लिए कितना बढ़िया रास्ता है ये। यहाँ से मतलब हमने गाड़ी को ऊपर खड़ी की है और अब यहाँ से हम लोग पैदल पैदल इस गांव तक जा रहे हैं, अपने गांव तक, हाय अपने नानी हाउस। ये नानी के घर पहुँच चुके हैं। गांव का नाम है डडूली। ये देखिए बाहर का व्यू, ये आम लगे हुए हैं, बारिश अब रुकी नहीं है।
टाइम हो रहे हैं सुबह के 11 और सारे लोग यहाँ बैठे हैं। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, यहीं पर ही अपना व्लॉग एंड करते हैं। अगर आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। बाय।